नमस्कार भाई लोगों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया फिटनेस लीग के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया फिटनेस लीग भारत का पहला ऐसा लीग है जो कि फिटनेस को लेकर आ रहा है, और तरुण गिल जो कि एक जाना माना चेहरा है फिटनेस की दुनिया में आज के टाइम पर इंडिया में, वो इसके पीछे है और लेकर आ रहे हैं, उनकी टीम के साथ इसको लेकर आ रहे हैं। तो कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या है इसके पीछे, क्या चीज़ें हो सकती हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पता नहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। कई लोग इस चीज़ के बारे में रो रहे हैं कि उनको 2,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब ऐसी बहुत सी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडिया फिटनेस लीग जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, इसमें क्या क्या हो सकता है, पहले तो हम लोग ये चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि अलग अलग 16 सिटीज़ में इसके ऑडिशन होने वाले हैं, और अलग अलग 16 सिटीज़ में ऑडिशन के बाद वहाँ से कुछ कुछ लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, और सेलेक्शन के बाद हो सकता है उनको एक सेंट्रलाइज प्लेस पर बुलाया जाए, जैसे दिल्ली बुलाया जाए या बॉम्बे बुलाया जाए। तो वहाँ पर जैसे आपने देखा है कि IPL में या प्रो कबड्डी लीग में अलग अलग टीम्स होती हैं, उनके फ्रेंचाइजी ऑनर्स होते हैं, वो टीम्स खरीदते हैं, वैसे ही हो सकता है यहाँ पर भी जो अलग अलग सिटीज से पर्सन सेलेक्ट होंगे उनको एक जगह पर सेंट्रलाइज करके उसके बाद हो सकता है कि उनकी एक प्रॉपर टीम बनाई जाए, अलग 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 टीम्स बनाई जाएंगी, तो उसको अलग अलग फ्रेंचाइजी ऑनर्स जो है वो खरीदेंगे। और इसमें कई तरीके के टास्क हो सकते हैं, जैसे एक बार रोडीज में देखने को मिलता है आपको कि अलग अलग फिटनेस से रिगार्डिंग टास्क होते हैं। इसके अलावा कई फॉरेन कंट्रीज में फिटनेस से रिलेटेड लीग्स चलती हैं, उनके उनसे उनमें भी आपने देखा होगा कि जो फिटनेस से रिलेटेड टास्क हैं वो दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो फ्रेंचाइजी ऑनर्स हैं और पीछे जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके का काम कर रहा है और वो किस तरीके के टास्क प्रोवाइड करता है, वो बाकी बात है, लेकिन ना हो सकता है ये चीज़ें हो सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि रियलिटी शो जो है फिटनेस के ऊपर ये लोग लेकर आ रहे हैं। कई लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि जो इंटरव्यू है, जो ऑडिशन होगा वहाँ पर जाकर, उसमें उनको क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, जब आपने एलिजिबिलिटी की बात की वेबसाइट पर, तो एलिजिबिलिटी में आपने वहाँ पर दो चीज़ें देखी सिर्फ, और वहाँ पर स्पेशली ये भी मेंशन है कि जो आपका सिक्स पैक है या प्रॉपर एक शेप जो बॉडी बिल्डर का होता है वो होना जरूरी नहीं है। मतलब आप फिट होने चाहिए और आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, फिट होने चाहिए और कॉन्फिडेंट होने चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिट होने में कई सारी चीज़ें हैं, आप जैसे एक आदमी मोटा है उसमें 5% ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद भी वो फिट हो। और मेरे हिसाब से इन फ्यूचर शो को मिर्च मसालेदार और बढ़िया बनाने के लिए तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अब फिट नहीं लगते हैं लेकिन वो फिट है, तो उनको भी लिया जाएगा, और कुछ ऐसे जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स हैं एज यू कैन सी, तो उनको भी लिया जाएगा, मैं खुद जाने वाला हूँ। और जब ऑडिशन में आप जाएंगे तो आपको क्या क्या जो है वहाँ पर सामने फेस करना पड़ सकता है ऑडिशन में, बिकॉज फिट और कॉन्फिडेंट की बात, एज कॉन्फिडेंट आपसे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे, इंटरव्यू आपका लिया जाएगा कि आपने यहाँ पास में क्या किया है, आप अभी क्या कर रहे हैं और किस तरीके के पर्सन, आप आपकी मेंटालिटी चेक की जाएगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा। ऑन द सेकेंड थिंग, जब आपसे बोला गया है कि फिट, तो फिट में कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे, वो बेसिक एक्सरसाइजेस के टास्क होंगे। बेसिक एक्सरसाइजेस के टास्क कहने का मतलब जैसे पुलअप्स हो गई, पुशअप्स हो गई, और बेसिक एक्सरसाइज जैसे बार बार कर्ल हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस आपको एक्सरसाइजेस या ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करने को दिया जा रहा है कि हाँ कि आपको हैंडल लेके ऊपर चढ़ना है या आपको एक रोप के ऊपर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे कि आपने देखा होगा कि तरुण सर ने एक पोस्ट भी की थी और उसमें एक भाई ने पूछा था कि हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया था कि इसमें जो है बेसिक एक्सरसाइजेस पे आप फोकस करें। आई विल शो यू इन द कमेंट ऑल्सो, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में, और कई लोग बड़ी फालतू की बात कर रहे हैं कि तरुण पैसे कमा रहा है, तरुण ये कर रहा है, तरुण वो कर रहा है, भाई लोग मेरी बात एक सिंपली समझ लो, अगर वो तुमसे 2,000 रुपये नहीं भी लेगा ना, तब भी वो इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लेगा और प्राइज मनी निकाल लेगा। पहली बात तो ये कि जो 8 या 10 टीम बनने वाली हैं वो जब बिकेंगी तो डेफिनेटली बात है वो 1-2 करोड़ से नीचे नहीं बिकने वाली है, तो टोटली मिला के अगर आप देखें तो बहुत पैसा मिलने वाला है।
और जो 3 करोड़ प्राइज मनी है, हार्ले डेविडसन है, मिनिमम 1 लाख रुपीज, आप सब जोड़ भी दोगे तो 5 करोड़ से ऊपर नहीं बैठेगा। तो कई लोग 2,000 रुपए का रोना रो रहे हैं कि तरुण पैसे कमा रहा है। तरुण पैसे नहीं कमा रहा है, आपके लिए पैसे नहीं कमा रहा है, कमा रहा है वो अपने लिए कमा रहा है। आप जो 2,000 रुपए का रोना लेके बैठे हुए हो, वो 2,000 रुपए से आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको सड़ना है, जिम में पड़े रहना है, रोज की वही रोटी खानी है, दाल सब्जी खानी है, जो करते आ रहे हो वही सब करना है। तो अपने घर बैठे रहो, 600 रुपया जिम का देते हो, 3-4 हजार रुपये डाइट का देते हो, और बंदे रो रहे हैं मैं 5 हजार कमाता हूँ, मैं 10 हजार। अबे तुम सब कमा सकते हो, हमारे पास सब कुछ है, ये खाली ना फेसबुक पर जाके कमेंट करना और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से पीछे हट जाओ। अरे 2,000 रुपीज रजिस्टर करो, अगर जाना चाहते हो, फालतू की ये नौटंकी नहीं चलेगी तुम्हारी। एक बंदा स्टार्ट कर रहा है, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेंचाइजी ऑनर्स खरीदेंगे, उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा उसमें, और इसके अलावा जिस टीवी पे वो लेकर जाएगा, वो टीवी वाले उस शो को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा देंगे, एड्स होती हैं, तो वो पैसा कमा लेगा मेरे दोस्त। तुम्हारे 2,000 रुपए से उसका जो है वो शो नहीं चलने वाला है। 2,000 रुपए सिर्फ इसलिए है कि जो जेन्युइन बंदा है उसको सैचुरेट किया जा सके, उसको अलग किया जा सके। अब फिट एंड कॉन्फिडेंट में तो हर आदमी कहेगा मैं फिट एंड कॉन्फिडेंट हूँ, और हर आदमी ऑडिशन देने पहुंच जाएगा। जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो वहां से खाली हाथ तो आएंगे नहीं, वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, और पूरी टीम वहां पर लगानी पड़ेगी। इसके अलावा स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, आपके सर्टिफिकेट साइन होने हैं, इसके अलावा आपको रिफ्रेशमेंट मिलना है, ऐसी बहुत सारी चीजें, आपके वहां का अरेंजमेंट है, तो वो सब कहाँ से होगा? अब हर आदमी पहुंच गया तो वहां केओस क्रिएट ना हो, इसलिए उसको जेन्युइन बंदा सेलेक्ट करने के लिए, कि जेन्युइन बंदा उस तक सेचुरेट होके पहुंचे, इसलिए उन्होंने 2,000 रुपीज रखा है। दूसरी बात, आप कोई भी गेम में या कोई भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि वो पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं होता है। आप एक नॉर्मली टूर्नामेंट भी खेलेंगे तो उसमें भी 500-1,000 रुपये देना पड़ेगा। आपकी कोई ऐसी भी बहुत बड़ी पहचान तो है नहीं कि आपको, वो हर बंदे के लिए, आम बंदे के लिए है। तो अगर आप आए भी काम बंदे, आप वहां पर जाना चाह रहे हैं, कुछ शो करना चाह रहे हैं, तो 2,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। रोना मत रो कि मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। दारू पी जाओगे तुम, इधर उधर फेंक दोगे, गर्लफ्रेंड को पिक्चर दिखा दोगे, लेकिन तुम लोग 2,000 रुपये निकालने के चक्कर में, ये एक बहुत अच्छा मौका है, छोड़ दोगे। जब 4 बंदे वहां तुम्हारे साथ के निकलकर सेलेक्ट होके पहुंच जाएंगे, शो करके आ जाएंगे, अपनी लाइफ सेट कर लेंगे, तब तुमको अकल आएगी कि हाँ मुझे भी चले जाना चाहिए था। तो भाई ये मत रहो कि तरुण पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई वो पैसा, वो एंटरप्रेन्योर है, वो कह रहा है मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो एंटरप्रेन्योर तो डेफिनेटली बात है, पैसा तो वो कमाएगा, लेकिन तुमसे पैसा कमाएगा ये मत सोचो, ठीक है ना? क्योंकि वो तुम्हारे पैसे से शो नहीं चलाने वाला है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं पीछे, तो तुम्हारे पैसे से शो नहीं चल रहा है। वो तुम्हारा पैसा सिर्फ इसलिए ले रहा है कि उससे तुम्हें ही कंफर्ट दिया जा सके, तुम्हारे लिए अच्छा वेन्यू डिसाइड किया जा सके, तुम्हारे लिए अच्छी प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सके, तुम्हारे को अच्छी वहां पर फैसिलिटीज मिले, रिफ्रेशमेंट मिले, सारी चीजें मिले, अच्छे जजेस मिले जिनको वो बुलाएगा बहुत अच्छे पैसा देने के बाद। और जब पैसा आ जाएगा तो आप कह रहे हो लीडिंग रोल मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरे भाई सब मिलेगा। अगर अगर आप 5 के 10 करोड़ से एक पिक्चर स्टार्ट करना चाहते हैं बॉलीवुड में लो बजट की, तो वो हो जाती है, ठीक है ना? तो आप लीड रोल कर सकते हैं, और जब आप 2 महीने के लिए शो करेंगे और पूरा इंडिया आपको देखेगा, तो डेफिनेटली बात है आपकी फैन फॉलोइंग होगी, और एक मरे से मरे दर्जे की फ्लॉप पिक्चर भी जो है वो कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए कमा लेती है। तो आप ये सब रोना मत रो, रजिस्टर करो मेरे भाई, जल्दी जल्दी जाके, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, 2,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना? गर्लफ्रेंड को पिक्चर दिखाओगे, उस पर खर्च करोगे, दारू पी जाओगे, और बहुत सारी चीजें करते हो तुम उल्टी सीधी, तो वो सबसे बच जाओ और ये सारा काम जाके कर लो, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है। कई लोग इसमें कह रहे पर्दाफाश कर दिया मैंने, ये कर दिया होगा, भाई कुछ नहीं किया तुमने, तुम खाली यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ये सब कर रहे हो। लोगों को बरगलाओ मत, ठीक है ना? अब वो सही रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, उनको सही रास्ते पे जाने दो, और ये सारी चीजें मत करो, ठीक है मेरे दोस्त? जाओ, थम्स अप, कॉन्ग्रेचुलेशन तरुण, मैं चाहता हूँ कि आपका शो बहुत बहुत ज़्यादा हिट हो। मैं भी आ रहा हूँ, हो सका तो मैं आपसे मिलूंगा, और प्लीज़ भाइयों इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोगों को बताएं, और कुछ गलतफहमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, मेरी ईमेल आईडी है, आई विल रिप्लाई टू यू। और कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा।